सरगुजा कलेक्टर विलास भोस्कर ने जिले के मैनपाट हाथी प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर वन विभाग के आला अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि मैनपाट वन परिक्षेत्र में 4 से 5 गांवों में हाथियों की चहलकदमी लगातार देखी जा रही है। वन विभाग ग्रामीणों को जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए सरकारी भवन में रुकने की व्यवस्था कर रही है, लेकिन इन जगहों पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने की वजह से बरसात के दिनों में ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए सरगुजा कलेक्टर ने हाथी प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। इसके बाद वन विभाग के अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं करने के लिए निर्देश दिए हैं। अब देखना होगा कि इन हाथियों के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था सरकार करती है या ग्रामीणों को इसी तरह जान जोखिम में डालकर जीना होगा। जो हाथियों से बचाव के लिए गाँव वालों की कुछ मांग थी, जैसे कि सीढ़ियों की मांग थी और हाथी संरक्षण का जो शेल्टर है उसका शेड जो है वो टूट फूट गया है, तो उसमें छत ढलाई के निर्देश दिए हैं और सीढ़ियों के लिए बोला गया है कि जो भी सीढ़ियाँ उनको लगेगी वो देना है। और इसके अलावा और भी वहाँ उस गांव की छोटी मोटी समस्याएं थी, उन सबको गंभीरता से माननीय कलेक्टर सर के द्वारा सुना गया है, निराकरण के लिए जो मौके पर जो अधिकारी थे उनको निर्देश दिया गया।